नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए किया टीम का ऐलान। बाबर आजम समेत 3 स्टार खिलाड़ियों का कटा पत्ता। क्या है खबर इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे दौरे पर वनडे और T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चयनकर्ताओं ने बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 दोनों ही सीरीज के लिए शामिल किया गया है, लेकिन जिम्बाब्वे दौरे से उन्हें बाहर रखा गया है। बताया जा रहा है कि बाबर आजम को आराम देने के लिए जिम्बाब्वे दौरे से बाहर रखा गया है। हालांकि खुद बाबर आजम जिम्बाब्वे दौरे पर नहीं चुने जाने से दुखी होंगे, क्योंकि यह उनके लिए कुछ रन बनाने के लिए एक अच्छी सीरीज होती। पीसीबी ने पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान बनाम जिम्बाब्वे सीरीज के लिए टीम की घोषणा की है, जिसमें चयन के लिए रोटेशन नीति के तहत खिलाड़ी चुने गए हैं। बाबर आजम की तरह शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए शामिल किया गया है, लेकिन जिम्बाब्वे दौरे से बाहर रखा गया है। पाकिस्तान बनाम जिम्बाब्वे वनडे सीरीज 24 नवंबर से तो T20 सीरीज 1 दिसंबर से खेली जाएगी। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, यहमद दानियाल, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला विकेटकीपर, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान विकेटकीपर कप्तान, मोहम्मद इरफान खान, सईम अयूब, सलमान अली आगा, शाहनवाज दाहनी और तैयब ताहिर।